लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। योगी सरकार को एक बार फिर आंगनवाड़ियों ने चेताया, वादा निभाओ आंदोलन किया। यूपी के जनपद महाराजगंज के मुख्यालय पर आज फिर आंगनवाड़ियों ने हल्ला बोल कार्यक्रम कर न सिर्फ योगी सरकार को चेताया बल्कि सड़क मार्च कर वादा निभाओ मानदेय बढ़ाओ का नारा लगाया और योगी सरकार पर जमकर बरसे और एक दिवसीय रोड मार्च व धरना प्रदर्शन कर कार्यक्रम किया तथा 6 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा और वादा निभाओ मानदेय बढ़ाओ का मांग किया। हम लोग का मैं आज आंगनबाड़ी संघ की जिलाध्यक्ष छाया भारती महाराजगंज से हूँ। आज हम लोग का कार्यक्रम एक दिवसीय रैली चेतावनी रैली है और इस चेतावनी रैली का हम लोग संदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं जो भी अनुपूरक बजट में वो बजट पेश किए गए वो बजट लागू करें, उसका घोषणा करें, शासन आदेश जारी करें। इसी तरह से हम लोगों को सिर्फ वादा पे वादा किए हैं, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हम लोगों का विभिन्न संगठनों द्वारा 7 जून को जो भी वार्ता हुई, अभी उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी को संतोषजनक मानदेय देंगे, वो भी नहीं उन्होंने दिया। हम लोग इस तरह से हम लोगों ने सोच करके बैठाया था, आंगनबाड़ी मेहनत करके बैठाई थी, बीएलओ का ड्यूटी करके कि ये संत हैं, हम लोगों का बात सुनेंगे, हम लोग का बढ़ोतरी करेंगे, 4000 में हम लोग का कैसे गुजारा होगा, योगी जी जान लें। इस तरह से जो भी हम आंगनबाड़ी मेहनत करके ये संगठन सरकार को बनाए हैं, उस तरह से जिस तरह से हमारी बाने सरकार को बनाई है मेहनत करके, उसी तरह से अगर हम लोग का शासन आदेश जारी नहीं करते हैं और हौसला नहीं करते हैं तो हम लोग उखाड़ फेंकने का काम हम आंगनबाड़ी बानू करेंगे। धन्यवाद जी। मैं राजेश मौर्या, जिला संरक्षक आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा का। आज हम लोग एक दिवसीय वादा निभाओ रैली का आयोजन किए हुए हैं, जिसमें हजारों महिलाएं रोड पे जन आक्रोश दिखाते हुए योगी जी और मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि जो उन्होंने हम लोग के साथ वादा 6 जून को किया था, उसके बाद लिखित मौखिक कई बार 23 बार वार्ता भी किया, उसके बाद 625 करोड़ का बजट भी आवंटित किया और बजट आवंटित करने के बाद उन्होंने शासनादेश भी जारी करवाया था कि 4000 आंगनबाड़ी का प्लस किया जाएगा, इसमें 4000 प्लस 4000 8000 आंगनबाड़ी का वेतन हो जाएगा। उनके तमाम विभागी रुबेला ड्यूटी, बीएलओ, जातिगत जनगणना, आर्थिक जनगणना, पल्स पोलियो, इस प्रकार से लाभार्थी धारती और गृह संचालन और केंद्र संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कराया जाता है, उसके उपलक्ष्य में कार्यकर्तियों को एक मनरेगा मजदूर से भी कम मजदूरी दी जाती है, जो सरासर ये अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट का शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि एक समान काम समान वेतन, तो आखिर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी शिक्षक के पद में है तो इनको भी उतना वेतन मिलना चाहिए। हम योगी जी को ये दिखाना चाहते हैं इस संदेश रैली के माध्यम से। अगर आप ये तत्काल में हमारे ये जो आपने बजट 625 करोड़ का आवंटित किया था उसका शासनादेश जारी नहीं किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 10,000 वेतन नहीं हुआ, तो जैसे 5 राज्यों में आपका सुफला साफ हुआ है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपना सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आंगनबाड़ी। धन्यवाद।